हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूँ वासिफ और आज की इस इरिगेशन की क्लास में हम वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स चैप्टर के कुछ अहम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो टॉपिक है, कुछ डेफिनेशन है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं, सबसे पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है वो ड्यूटी। ड्यूटी क्या होती है? तो ड्यूटी को बेसिकली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम वाटर पूरे आधार काल में जितनी भी खेती या फिर भूमि को सींचने की क्षमता रखता है वो उसकी ड्यूटी कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो सपोज़ कर लें कि एक क्यूमिक वाटर है जो अपने पूरे बेस पीरियड में 400 हेक्टेयर की भूमि को इरिगेट कर सकता है, तो वो उसकी ड्यूटी कहलाएगी। ओके, और नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो डेल्टा या फिर पानी की गहराई। तो इसको देखते हैं कैसे डिफाइन करेंगे। किसी फसल को उसके फसल काल में निर्धारित अंतराल पर दिए गए सभी पानियों की कुल गहराई को डेल्टा कहते हैं। सपोज़ कर लें कि इसको कैसे देखेंगे कि हमने कोई 4 बार किसी खेत को पानी दिया और हर बार उसकी गहराई थी 15 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस खेत के लिए पानी की गहराई हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली उस 4 बार को इस क्या करना है, इसको जो 4 टाइम हमने जो वाटरिंग की है 15 सेंटीमीटर की, उसको सिंपली क्या करेंगे, 4 से 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी गहराई आ जाएगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, उसको देखते हैं। न्यूमेरिकल है कि गेहूं की फसल का आधार काल क्या होता है, जो फर्स्ट वाटरिंग से लेके जो लास्ट वाटरिंग तक का जो टाइम होता है उसको आधार काल कहते हैं। इसको आगे देखेंगे, 140 दिन है, फसल को 35 दिन के अंतराल पर लगभग 8 सेंटीमीटर गहराई में पानी दिया जाता है। पानी के लिए गेहूं के लिए डेल्टा ज्ञात कीजिए। तो सिंपली कैसे कर सकते हैं, पहले तो हम उसकी नंबर ऑफ टाइम निकालेंगे कि कितनी बार पानी दिया गया, तो गैप कितना दें, 140 दिन बेस पीरियड है, इधर देख लें, ठीक है, और टाइम पीरियड कितना है, गैप कितना है, 35 दिन का, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 4। तो पानी कितनी बार दिया जा रहा है उसको, 4 टाइम दिया जा रहा है और हर टाइम पानी की गहराई कितनी बोल रहा है, 8 सेंटीमीटर। तो अगर हमें डेल्टा निकालना हो तो सिंपली क्या करेंगे, डेल्टा इक्वल टू 4 × 8 सेंटीमीटर, ये इसकी, मीटर में चेंज करने तो 100 से डिवाइड कर देना। ओके, होप ये समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी जो है वो है कोर काल। कोर काल को कैसे डिफाइन करेंगे, कोर बेसिकली जब हम बीज डालते हैं खेतों में और जब बीज में से पौधा निकलने लगता है उस टाइम जो पानी उस पौधे को अपनी ग्रोथ के लिए जो पानी की ज़रूरत होती है उस टाइम को, जिस टाइम उसको ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है उसको क्या बोलते हैं, कोर काल बोलते हैं उसको, कोर पीरियड इंग्लिश में, ठीक है। और अगली जो है वो है कोर सिंचाई क्या, वो इसी से रिलेट है कि इस टाइम पे जो हम कोर पीरियड में जो वाटरिंग करेंगे जो उसको ग्रो करने के लिए ज़रूरत होगी तो उसको क्या बोलेंगे, कोर वाटरिंग बोलेंगे, ठीक है। और कोर वाटरिंग फिर नेक्स्ट क्या है, कोर वाटरिंग जो करेंगे जो पानी इस टाइम जो ग्रो करने के लिए पौधे को जो पानी की ज़रूरत होगी उसमें जो पानी लगाएंगे, वाटरिंग जो करेंगे उस वाटरिंग की जो गहराई होगी वो उसकी कोर गहराई कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं, क्रॉप पीरियड बेसिकली क्या होता है, जो हम सोइंग से लेके, सोइंग मतलब बीज बोने से लेके और उसकी
फसल काटने तक का कल्टीवेशन का जो टाइम होता है उसको क्रॉप पीरियड बोलते हैं। ऐसा ही है नेक्स्ट बेस पीरियड। बेस पीरियड क्या होता है? बेस पीरियड फर्स्ट वाटरिंग से लेके और जो लास्ट वाटरिंग तक का जो टाइम होता है वो उसका बेस पीरियड कहलाता है। उमूमन इन दोनों को ऑलमोस्ट बराबर ले लिया जाता है सहूलियत के लिए। ठीक है, तो अगली डेफिनेशन देखते हैं। अगली डेफिनेशन हमारी सकल सेच क्षेत्रफल, ग्रॉस कमांडेड एरिया। ग्रॉस कमांडेड एरिया को कैसे डिफाइन करेंगे देखते हैं। तो सपोज कर ले कि मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल के लिए खेत, इसको अगर खेत मान लें, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि एक सिंचाई नहर के अंतर्गत जितना भी एरिया इरिगेट करने के लिए आता है उसको GCA बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लें कि ये इस कोई खेत है, इसका एरिया है, तो इसके इस टोटल को क्या बोलेंगे, इसका GCA बोलेंगे, ग्रॉस कमांडेड एरिया। ठीक है, तो अगर इसको फॉर्मूले के बारे में बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, GCA इक्वल टू क्या होता है, CCA लिख सकते हैं इसको, CCA प्लस अनकल्चरेबल क्षेत्रफल। इसका क्या मतलब होता है, सपोज कर लें कि इस ये हमने जो खेत लिया है उसमें ये कोई खेत है जिसमें क्या है, ये वो एरिया है जो कल्चरेबल है, और ये क्या है, इसमें कोई रास्ता गया हुआ है और ये तालाब है। ठीक है, जब CCA की बात करेंगे तो इस टोटल को लेंगे, इस कल्चरेबल एरिया को भी और इसमें जो अनकल्चरेबल एरिया है, ठीक है, इसको भी। ये अनकल्चरेबल एरिया कौन सा, ये रूट और ये तालाब, तो क्या हो जाएगा, GCA इक्वल टू CCA प्लस अनकल्चरेबल एरिया। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जब हम GCA में से, इस GCA में से इसको देख सकते हैं कि ये जो GCA पूरा ये एरिया है इसमें से जब अनकल्चरेबल एरिया को माइनस कर देते हैं तो क्या आता है, कल्चरेबल कमांडेड एरिया। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, GCA माइनस अनकल्चरेबल एरिया। ओके,